हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कोबी और भेड़िया आगमन सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि अगर आपने मेरी प्रीवियस अनबॉक्सिंग वीडियोस देखी हैं तो इतना तो आपको पता होगा ही कि मेरे पास ये दोनों कॉमिक्स पिछले 6 7 महीने से हैं, लेकिन आज तक मैंने इन दोनों कॉमिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। और बीच में ही अपनी किसी एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं उस आने वाले टाइम में इसका रीज़न बताऊंगा कि क्यों मैंने इन दोनों कॉमिक के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई, और आज मैं वो रीज़न बताऊंगा। और वो रीज़न है ये दो कॉमिक्स। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों मतलब ये चारों कॉमिक्स दो दो पार्ट की सीरीज़ है, जैसे जानवरों कोबी और भेड़िया और भुजंग और नीली और लाशें, लेकिन मैं इनको चार पार्ट की सीरीज़ मानता हूँ। हाँ, इतना कह सकते हैं कि ये दो कॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर हैं और ये दो कॉमिक्स सेकंड चैप्टर है, और मैं इसका रीज़न बताऊँगा कि क्यों ये चारों कॉमिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और मेरे लिए ये चार कॉमिक्स ही एक पूरी सीरीज़, मतलब मैं अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूं तो मैं इस सीरीज़ को चार पार्ट की सीरीज़ मानता हूं, जिसकी फर्स्ट पार्ट का नाम है जानवर, सेकंड पार्ट का नाम है कोबी और भेड़िया, थर्ड पार्ट का नाम है भुजंग और लास्ट पार्ट का नाम है नीली लाशें। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के स्टोरी और कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसमें क्या होता है कि जब अपना जो ओरिजिनल भेड़िया होता है उसके ऊपर जो उसका जानवर वाली प्रवृत्ति होती है वो उसके ऊपर हावी होती है, जिसकी वजह से भेड़िया और जेन के बीच में थोड़ी थोड़ी अनबन हो जाती है, और भेड़िया चाहती है कि सॉरी जेन चाहती है कि जो भेड़िया का पशु रूप है वो उससे अलग हो जाए, मतलब या फिर जो उसका प्रभाव है वो कम हो जाए। और आगे चलकर ऐसा होता भी है, और वो इसके सेकंड पार्ट में होगा। अगर मैं इस कॉमिक के आर्ट वर्क के बारे में बात करूं तो इसका जो आर्ट वर्क है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप खुद देख पा रहे हो। और जैसा कि मैंने कहा कि सेकंड पार्ट में यानी कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक में जो अपना संपूर्ण भेड़िया होता है वो दो हिस्सों में अलग हो जाता है, एक तो कोबी के नाम पे और एक भेड़िया के नाम पे। वो कैसे होता है वो तो मोस्टली लोगों को पता है कि मोबस और फोबस की शक्तियों से होता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये कॉमिक पढ़नी पड़ेगी। और हाँ, चैप्टर 1 की जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन थी। और अगर मैं आर्ट वर्क के बारे में बात करूँ तो इस पार्ट का आर्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और हाँ, एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ कि जब राज कॉमिक्स पर मनोज गुप्ता जी ने ये दोनों कॉमिक्स को रिप्रिंट किया था, तभी सेम टाइम पर राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने भी इन दोनों कॉमिक्स को रिप्रिंट किया था। इसका तो पता था ही कि मतलब राज कॉमिक्स मनोज गुप्ता की प्रिंटिंग अच्छी होगी, क्योंकि पहली बार चल गया था कि ये दोनों कॉमिक्स ग्लोसी में आएंगी। हाँ, तो इसके बारे में डिसाइड करने का कोई मतलब बनता नहीं था कि किससे खरीदा जाए। जब अब जैसे कि जो ये कॉमिक है कोबी और भेड़िया RCMG की, तो जैसे मैंने बताया कि दोनों कॉमिक्स को राज कॉमिक्स के दोनों भाइयों ने सेम टाइम पर रिप्रिंट किया था, और दोनों में सिर्फ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ का ही फ़र्क था, जैसे 10 या 20 रुपीज़ का फ़र्क था। जैसे ये 160 रुपीज़ की है, शायद जो RCSG ने रिप्रिंट किया था वो 170 का था। तो डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि कौन सी कॉमिक
मतलब कौन सी पब्लिकेशन से खरीदा जाए, क्योंकि इतना पता था है कि दोनों ही ग्लोसी में रिप्रिंट करेंगे। तो मैंने कुछ कंपैरिजन वीडियोस देखे थे जिन्होंने आर सी एस जी की भी ये कॉमिक खरीदी और आर सी एम जी की भी ये कॉमिक खरीदी। तो सच को तो आर सी एस जी की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो काफ़ी बेकार थी उस कॉमिक में, क्योंकि मतलब आपको आर्टो भी काफ़ी फीका फीका लगेगा और टेक्स्ट बबल्स आपको पढ़ने में नहीं आएंगे। हालांकि जो ये कॉपी है, जो ये वर्जन है आर सी एम जी की, ये भी कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि साफ साफ पता चलता है कि स्कैन किए हुए हैं। लेकिन आर सी एस जी का वर्जन में भी स्कैन हुई पड़ी है वो पता चलता है, लेकिन उसमें क्या है कि कलर बड़े फीके नज़र आते हैं, टेक्स्ट बबल्स में जो डायलॉग्स हैं वो पढ़ने में ही नहीं आते। इसमें कलरिंग उभर के आता है, टेक्स्ट भी जो डायलॉग बबल्स हैं वो भी पढ़ने पढ़ा जा सकता है। हाँ लेकिन अब क्योंकि मैंने ओरिजिनल वर्जन कभी देखा नहीं तो मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल वर्जन कैसा है, लेकिन देखने में मुझे आर सी एम जी की जो ये कॉपी है ये ज़्यादा अच्छी लगी थी। अगर आर सी एस जी की इससे अच्छी क्वालिटी में होती तो डेफिनेटली मैं वो मतलब ये पार्ट आर सी एस जी की तरफ से खरीदता, सिर्फ 10 रुपये का ही फ़र्क था उस टाइम पर। और हाँ इस पार्ट में एक और मज़ेदार बात यह है कि इसमें हमको जो फूजे बाबा हैं उनका मतलब ओरिजिन भी देखने को मिलता है कि कैसे वो इस जंगल में आए और इस जंगल में आने से पहले वो क्या करते थे और किस रीज़न की वजह से उन्होंने जंगल को अपना घर बना लिया, वो सब इसमें बताया गया है। इसमें भेड़िया के पास्ट लाइफ के बारे में भी जिक्र हुआ पड़ा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉमिक काफ़ी लंबे समय के बाद रिप्रिंट हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि चैप्टर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट और आर्टवर्क बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप खुद देख सकते हो कि मतलब, और मज़ेदार बात ये भी है कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये राज कॉमिक्स की सबसे पहली कॉमिक थी जो एक तो ग्लोसी में आई थी और प्लस जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम इसी कॉमिक में ही यूज़ किया गया था। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दिखाऊं तो इसमें फ्लैट कलरिंग लगती है देखने में फर्स्ट पार्ट में, और इसमें इफेक्ट्स का भी और इसमें इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पहली राज कॉमिक थी जिसको ग्लॉसी में प्रिंट किया गया था उस टाइम पर, और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ इस कॉमिक को लाया था। जैसे कि आजकल तो वैसे स्पेशल इफेक्ट वाली में ही आती है कॉमिक्स। तो यहाँ पर तो चैप्टर वन की कहानी ख़त्म हो जाती है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों चैप्टर वन और चैप्टर टू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोबी और भेड़िया की लड़ाई होती है तो जो भेड़िया होता है वो कोबी को किसी तिलिस्म में कैद कर देता है। तो एक तरह से यहाँ पर एक क्लिफ हैंगर हो जाता है कि क्या कोबी वापस कभी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसी कॉमिक में ये दोनों करेक्टर्स आए थे और सेम कॉमिक में ही चलो भेड़िया तो पता चल गया कि वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कोबी का डाउट था। हालांकि आज की डेट में हम सबको पता है कि कोबी और भेड़िया की जोड़ी काफ़ी लंबे टाइम तक तो चली है, पर जब ये कॉमिक रिलीज़ हुई थी तब एक सस्पेंस होगा लोगों के मन में कि क्या कोबी वापस आएगा। तो चैप्टर टू में ऐसा ही होता है कि समहाउ जो कोबी होता है वो तिलिस्म से बाहर आ जाता है और वो इस स्टोरी का कॉन्सेप्ट है। मतलब उसमें कॉन्सेप्ट वो नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जो इस चैप्टर टू का कॉन्सेप्ट है वो ही एक की फंक्शन होता है कोबी के लिए, जिसकी वजह से वो तिलिस्म से बाहर आ पाता है। इसमें क्या होता है कि चैप्टर टू में क्या होता है कि कुछ एक कबीला ऐसा है जो
जिनके दांतों में जहर होता है। और ऑफ कोर्स कि ये कबीले वासे ऐसे एनवायरनमेंट में रहते होंगे जिसकी वजह से इनके शरीर में जहर उत्पन्न होता है। तो ये लोगों को मारते हैं अपना खास शिकारी लोग, शिकारी को मारते हैं, शिकारी को अगर कोई बीच में आए तो उनको भी मार देते हैं। और उनको ये पावर्स कैसे मिलती हैं, वो जो ये कैरेक्टर है वो यही है, यही इस चैप्टर 2 का मेन विलन है। अब देखने वाली बात यह है कि कोबी और भेड़िया कैसे इससे निपटेंगे। हालांकि शुरुआत में क्योंकि एक्चुअली क्या है, कोबी उसी मेन विलन की मदद से तिलिस्म से बाहर आ पाता है, लेकिन पहले तो कोबी कुछ करता नहीं है। और वो क्यों नहीं करता वो तो आपको जानने के लिए कॉमिक पढ़नी पड़ेगी। और इसका भी आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। बस मैं लास्ट में मतलब इस सीरीज़ के बारे में इतना ही बोलूँगा कि मेरे लिए तो ये 4 पार्ट की सीरीज़ है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक कंप्लीट स्टोरी आर्क है। और चाहे दो दो पार्ट की सीरीज़ क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों में एक इंटरकनेक्शन है जिसकी वजह से ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की तरह ही लगते हैं। और एक ख़ास बात और भी है कि उस वक्त जब भेड़िया 1 था तो ये उसकी जर्नी की लास्ट कॉमिक थी उस टाइम के हिसाब से, और जब ये दोनों अलग हुए तो इनका मतलब ये एक ओरिजिन स्टोरी है कोबी और भेड़िया की, ठीक है, और जिसकी मतलब ओरिजिनल भेड़िया का लास्ट एडवेंचर, इसमें स्प्लिट होकर दोनों कैरेक्टर्स की एंट्री, और इस सीरीज से इनका सफ़र शुरू होता है और आगे इसके बाद चलता ही रहता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरी 4 पार्ट की सीरीज़ है। और मुझे लगता है कि मैंने जो मैंने पॉइंट्स जो मैं समझाना चाहता था शायद शायद मैं उसमें कामें हो पाया हूँ। अगर इन फ्यूचर और कभी कोबी और भेड़िया आगमन सीरीज़ का कलेक्टेड एडिशन या डाइजेस्ट आता है तो मेरे हिसाब से ये 4 कॉमिक्स को बाइंड करके ही लाना चाहिए। फुल पैसा वसूल सीरीज़ है ये। हाँ जो चैप्टर 2 है वो चैप्टर 1 से थोड़ा फीका है, लेकिन क्योंकि ये दोनों करेक्टर्स पहली बार आए थे और इसमें एक क्लिफ हैंगर था तो उसको कंटिन्यू करने के लिए मेरे ख्याल से इस सीरीज़ को बुना गया, और जब इन दोनों के एक्शंस को दिखाने के लिए ही शायद इस सीरीज़ को बनाया गया था। एक बार फिर से मैं आपको लास्ट में सभी कॉमिक्स का आर्टवर्क दिखा देता हूँ फटाफट से। हालांकि हमको पता है कि बीच बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि कोबी और भेड़िया एक एक हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पे होता है, और फाइनली जब एक होते हैं वो तो अमर प्रेम सीरीज़ में ही होते हैं जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुका हूँ। और इन सभी की क्वालिटी सही में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं तो यही कहूँगा कि फुल पैसा वसूल सीरीज है ये। और हाँ यही कहूँगा कि अगर आप कोबी और भेड़िया के फ़ैन हो या संपूर्ण भेड़िया के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ ख़रीदनी चाहिए। अगर आप फ़ैन नहीं भी हो और अगर आप एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ को जो कि 2 चैप्टर में डिवाइड है उसको एंजॉय करना चाहते हो तब भी आप इस सीरीज़ को ख़रीद सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह से स्टोरी वाइज और आर्टो के वाइज आप डिसअपॉइंट हो गए। कलरिंग बहुत प्यारी हुई पड़ी है चैप्टर 2 में।
आई एम हैप्पी कि मुझे इतने लंबे समय के बाद इस सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाने का मौका मिला। मैं पिछले 6-7 महीने से सिर्फ इन दोनों कॉमिक्स के इंतज़ार में रुका हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।